लखनऊ से, जहां यूपी पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी पुलिस कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना भी अनिवार्य होगा। पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी पुलिस ने जिस तरह से यूपी पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने खासतौर पर यह एडवाइजरी जारी की है यूपी पुलिस को लेकर। हम रुक करेंगे आलोक राय जी, विशेष संवाददाता लखनऊ से फोनलाइन पर जुड़ गए। आलोक जी, ये एक बड़ा और एक अच्छा फैसला है, अगर पुलिस कर्मी इस तरह से पालन करेंगे गाइडलाइंस का तो आम जनता के बीच भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कई मुल्कों में जो है कोरोना को लेकर जो है स्थितियां बहुत खराब है, खासकर चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया और तमाम मुल्क हैं, तो उसको लेकर जो है भारत सरकार एक तरफ जहां सतर्क हुई है और एडवाइजरी जारी की गई है कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के, उसी लिहाज उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। और अब पुलिस विभाग की तरफ से जो है एडवाइजरी पुलिस कर्मियों के लिए जारी की गई है, जिसमें डीजीपी डीएस चौहान और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार से उनकी तरफ से जो है पूरा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है पुलिस कर्मियों के लिए, जिसमें कहा गया है कि मास्क अनिवार्य है, यानी सभी पुलिस कर्मी मास्क लगाएं, साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो कोविड वैक्सीनेशन है उसकी जो है जो तीनों डोज है, यानी पहली, दूसरी और बूस्टर डोज, उसका जो है 100% टीकाकरण का पालन करें। साथ ही साथ जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है उसको जो है क्रियाशील किया जाए, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए थे उसको जो है चालू कर दिया जाए और नए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा दिए जाए। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। तो कुल मिलाकर जो है पुलिस विभाग की तरफ से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो है वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है पूरी तरह से जो है रखी जाए, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं, ताकि अगर कोई भी विषम स्थिति आती है तो तुरंत जो है वहां पर एक्शन लिया जा सके। तो कुल मिलाकर कोरोना से जो संक्रमण है उससे बचाव सबसे बेहतर तरीका है, और इसीलिए पुलिस विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी, ये दिशा निर्देश पुलिस कर्मियों के लिए जारी किए गए हैं। साथ ही साथ पब्लिक को कैसे जागरूक करना है इस बात का भी जिक्र जो है उस एडवाइजरी में किया गया है, जो डीजीपी की तरफ से और एडीजी एलओ की तरफ से आज जारी की गई है। जी शुक्रिया आलोक जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।